हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द मच अवेटेड बच्चन पांडे के ट्रेलर के बारे में। अब इसको लेके एक्साइटमेंट और बस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे था, क्योंकि अक्षय कुमार का जिस तरह का लुक आया था, अभी दो तीन लुक आए थे, कल कृति सैनन के साथ आया था, आज सुबह उनका एक अलग ही लुक निकल के आया था जैकलिन फर्नांडिस वाले पोस्टर में। तो उनका जो प्रीमियर लुक था इस बच्चन पांडे का, वो इतना ज्यादा एक्साइटिंग था, इतना ज्यादा किलिंग था। अक्षय कुमार इन हिज मासीएस्ट रोल एवर, मासीएस्ट लुक था ये इनका, जो बच्चन पांडे का उनका कैरेक्टर था टशन में, उसको और ज्यादा एम्पलीफाई करके और ज्यादा मासी बना दिया गया था, और इसीलिए एक्साइटमेंट क्रेज बहुत ज्यादा था। लेकिन थोड़ा सा डर भी था, इसके जो डायरेक्टर है फरहाद समझी, उनके वजह से थोड़ा सा डर था कि डायलॉग्स किस तरह के होंगे, कुछ बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं हो जाए। ये हम अपना बता रहे हैं कि थोड़ा सा हमको डर भी था और एक्साइटमेंट भी था ऑब्वियसली कि किस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं वो देखने के लिए। लेकिन जब ये ट्रेलर देखे, इट वॉज अ किकैश ट्रेलर। मासी मास मसाला एंटरटेनर जो होता है ना, प्रॉपर बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर, उस तरह का फिल्म था और बहुत ही मजा आया ट्रेलर में। इसका बीजीएम बहुत जबरदस्त लगा हमको, और अक्षय कुमार का जो लुक है, उनका जो एंट्री होता है, जिस तरह से एंट्री शॉट है, उनका एक्सेंट, उनका जो एक्शन है, मतलब जिस तरह का एक्शन इसमें दिखाया गया है, बहुत ज्यादा इंटेंस एक्शन है, बहुत सारा ब्लड इन्वॉल्व है। कुछ लोगों को हो सकता है कि इससे प्रॉब्लम हो, लेकिन बहुत ही जबरदस्त इसका मासी एक्शन अवतार में दिखने वाले हैं। इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पूरी मूवी का, पूरे ट्रेलर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका कास्ट। इसका कास्ट ऐसा है कि जो कॉमेडी एलिमेंट, जो ह्यूमर एलिमेंट्स है ना, वो आपको लोटा लोटा के हंसा सकता है। मतलब इस लेवल का इसमें कास्ट है। संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार खुद है इसमें, अर्शद वारसी, मतलब ये लोग जितने भी लोग हैं वो आपको इस नेक्स्ट लेवल पे हंसा के ले जा सकते हैं, अगर जो ह्यूमर है वो सही बैठा, जो डायलॉग्स है वो सही रखे। और क्योंकि डायलॉग्स पे भी सबसे बड़ा कंसर्न था हमको, क्योंकि सूर्यवंशी में फरहाद सामजी ने डायलॉग्स लिखे थे, तो उसमें क्या होता था कि जब लगता था कि बहुत जबरदस्त एक पंच डायलॉग आने वाला है, वहां पे फ्लैट डायलॉग आ जाता था, तो वो वहां पे प्रॉब्लम था। कूली नंबर वन तो खैर छोड़ ही दो, किस लेवल का उसका डायलॉग्स और किस लेवल का वो फिल्म था, तो वो थोड़ा सा कंसर्न था। लेकिन थैंकफुली इसके डायलॉग्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं, और जो ह्यूमर है वो भी अच्छा निकल के आया है। और पंकज त्रिपाठी और संजय मिश्रा, ये तो ऐसे हैं कि नॉर्मल लाइंस को भी आपको हंसा सकते हैं। एंड ऑफकोर्स अक्षय कुमार, मतलब कॉमेडी उनका हाथ कौन ही पकड़ सकता है, तो बहुत ही जबरदस्त ओवरऑल निकल के आया है। कृति सैनन लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, अर्शद वारसी का रोल भी बहुत अच्छा है, और पंकज त्रिपाठी का जो रोल है ना, वो एक्सपेक्टर होने वाला है, वो आके आपको गुदगुदा के जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। और इसके बाद सेकंड में दो टाइप के लुक है, दो लुक्स में आपको अक्षय कुमार दिखते हैं। सेकंड फेज जो उनका पास्ट में जाता है, जहां पर जैकलिन फर्नांडिस रहती है, तो वो वाला जो अक्षय कुमार का लुक है, वो आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा के याद दिलाएगा उनका लुक। तो वो भी एक चीज है कि वो कहानी किस तरह से, क्योंकि जिगर ठंडा का ये रीमेक है, एडेप्टेशन है आप कह सकते हैं, लेकिन जिगर ठंडा हम पूरा नहीं देखे, शायद हमको बहुत पहले ही देखे, हमको उतना एंड क्या था उसका एक्चुअली अच्छा से याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन उसका ये एडेप्टेशन है। तो अब देखना है कि किस तरह से इसको बनाया जाता है पूरी फिल्म को, और किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब अभी ट्रेलर को तो फुल ऑन मार्क्स दे सकते हैं हम, क्योंकि जिस तरह का एक्सपेक्टेशन रहता है एक ट्रेलर से, वो सारे पे ये फुलफिल बैठता है। गाने जो है इसको एक दो जो बीट सुनाए देते हैं बीच बीच में, काफी कैची, काफी इंगेजिंग लग रहा था, बीजीएम काफी अच्छा लग रहा था, अक्षय कुमार का लुक और जितने कैरेक्टर्स हैं, और उनका जो गैंग भी है, जो गैंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अभिमन्यु सिंह हो या फिर प्रतीक बब्बर हो, संजय मिश्रा है उनके गैंग में, तो उनके गैंग के मेंबर्स को भी एक एक अलग अलग कैरेक्टर, एक छिछोरे वाला जो कैरेक्टर है वो अलग अलग कैरेक्टर है, सबका एक अलग अलग ट्विस्ट आएगा, सबका एक अलग अलग मतलब फ्लेवर देगा, तो वो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, पूरा स्प्रेड किया हुआ, फुल मील्स कह सकते हैं आप इस ट्रेलर को। तो हमको तो बहुत मजा आया ट्रेलर को देख के, एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम ही था मेरा, इसीलिए हमको और भी ज्यादा मजा आया। अब देखते हैं कि फिल्म किस तरह से आती है, क्योंकि ये फिल्म आपको देने वाली है होली पे होली, यस 18 को ये फिल्म निकलने वाली है होली के दिन, तो एक्सपेक्टेशन बहुत है, और बम्पर ओपनिंग पक्का ये लेने वाली है, क्योंकि मास मसाला एंटरटेनर यही पब्लिक आजकल चाहती है, और जो खींच सकती ऑडियंस को वो हर मसाला, वो हर फ्लेवर आपको इसमें दिखता है। अभी इसके गाने आने बाकी हैं, सारे जब गाने आएंगे वो अलग लेवल पे बस इसको लेके जाएगा। सो हम तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है इस ट्रेलर से, हमको बहुत ही मजा आया। आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आपने देखा है तो, नहीं देखा है तो जरूर जाओ चेकआउट करो, उसके बाद बताना कि ट्रेलर आपको कैसा लगा, और जो भी आपके राय हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं ट्रेलर के बारे में, मूवी के बारे में, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, और कुछ बात करनी तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।